मतलब होता है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मतलब या और नियम, अर्थात क्या प्रेस्क्रिप्शंस हैं और क्या निषेध। नियम आग्रह का मतलब होता है एक्सेप्टिंग स्क्रिप्चुअल रूल्स, मतलब जो हमारे वैष्णव शिष्टाचार में जो कायदे कानून है उनको स्वीकार करना। और नियम आग्रह, आग्रह में आ की बड़ी मात्रा है, आग्रह में सिर्फ आ है। नियम आग्रह का मतलब यह है कि कायदे और कानून इनको जो है एक्सेप्ट नहीं करना, फेलियर टू एक्सेप्ट। अब इसमें जो है चर्चा हम कर चुके हैं, तो आज हमारी चर्चा रहेगी कि हम लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन में। हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, क्या इंद्र तृप्ति के लिए मिला है, क्या इंद्रिय भोगों के लिए मिला है, क्या आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है, क्या सांसारिक सुख भोग उपलब्ध करने के लिए मिला है, या इस 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकल जाने के लिए, किसके लिए मिला। कितने लोग जो है इसी भौतिक संसार में, इसी जेल में दोबारा आना चाहते हैं, कौन कौन आना चाहता है, हाथ खड़ा करें। तो कितने लोग इस संसार से, इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आना चाहते, हाथ खड़ा करें। मतलब हम लोग जो है इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाना चाहते हैं। भौतिक संसार का मतलब ये है अपने कर्मों के फल स्वरूप असंख्य योनियां भोगना, अर्थात 84 लाख योनियों का जो चक्र है उसमें बारंबार बारंबार चक्कर लगाते हैं। तो कितने लोग चक्कर लगाने को तैयार है, कोई किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, किसी बच्चे ने भी नहीं किया, वो भी कहता हूं मुझे नहीं चक्कर। और कितने लोग चक्र से बाहर जाने को तैयार है, सारे के सारे। कोई ऐसा नहीं है जो इस चक्र से बाहर न निकलना चाहे। अब प्रश्न यह है कि इस चक्र से बाहर निकला कैसे जाए, इससे निकलने के लिए क्या नियम है। हम नियमों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो इन 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या नियम है। पहली बात तो यह है कि 84 लाख योनियों से बाहर निकलने की क्वालिफिकेशन क्या, मतलब हमारी योग्यता क्या है या क्या होनी चाहिए, उस योग्यता को प्राप्त करके हम 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते। तो योग्यता क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, उस क्वालिफिकेशन हो जाएगी 84 लाख योनियों से बाहर। आपने एक बच्चे को पढ़ने के लिए डाला, डॉक्टरी में भर्ती कराना है, पूछते हैं जी क्या क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन है तो कॉमर्स में हो जाएगा, क्वालिफिकेशन है तो लॉ में हो जाएगा। अब यहां एडमिशन कहां चाहिए, सुख कहां है, कर्म जब बुद्धि युक्ता ही फल त्यक्ता मनीष, जन्म बंध विनोदता पदम बचंती अनामय, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि सुख केवल मेरे ही धाम में है, पदम गचंती अनामय, अनामय आमय का मतलब होता है विकार, अनामय का मतलब होता है निर्विकार, यहां कोई विकार नहीं है, अर्थात एक केवल भगवान का धाम ऐसा है जहां पर कि सुख। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं आप ब्रह्म होना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुनो मामो पेते आदि कौन तय पुनर्जन्म ना मिलते थे, कि इस संसारिक भौतिक जगत के अंदर उच्चतम लोक से लेके निम्नतम सारे लोक, अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेके पाताल तक सारे के सारे लोक दुखों के, परंतु जो मेरे धाम आ जाता है वो कभी लौट कर इस संसार में मेरे धाम आ जाता है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, कि मेरे स्वयं धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, ना ही अग्नि प्रज्वलित कर सकती है।
होकर इस संसार में नहीं, मतलब इस संसार में लौटकर नहीं आना है, अर्थात मृत्यु के उपरांत मुझे यहाँ पर लौटकर नहीं आना है। और कहाँ जाना है? जहां से लौटकर नहीं आया जाता, अर्थात भगवान का धाम। अब उस भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन, एक सिंपल प्रश्न, आप मुझे अपने घर में आने देंगे? कौन अपने घर में आने देगा? बाकी ने हाथ नहीं खड़े किए। क्यों? मुझे पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं, उनका मेरे साथ कोई प्रेम का संबंध नहीं है कि वो मेरे को अपने घर में प्रवेश कर ले। आपके घर में कोई अनजान आदमी आता है तो छोटे शीशे में से आप देखते हो, उसको तुरंत वहीं से बाहर शीशा लगा होता है तो उसे आई आई कहते हैं, शीशे की ओर आई लगी होती है दरवाजे में तो चेन फंसी हुई है, चेन नहीं खोलेंगे, उस आई में से देखेंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं उसको कभी नहीं देखा, सड़क पर घूमते धाम से मिलना नहीं चाहते, उसको टकाओ, थोड़ी जान पहचान होगी तो आप उसको अपने घर में आने देंगे, थोड़ा और प्रेम होगा तो जहां आप बैठे हैं वहां आने देंगे, थोड़ा और प्रेम होगा तो अगर बेडरूम में आप बैठे हैं तो उसको बेडरूम में भी आने देंगे। अभी सहेली आ जाए बहुत निकट की हो तो क्या बोलेंगे, रसोई में खड़ी है तो बोलेंगे रसोई में ही आ जाओ, बेडरूम में है तो बोलेंगे बेडरूम में आ जाओ, अगर कोई अनजान आ गया है तो ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, अपना ठीक से वस्त्र धारण करके उससे मिलने जाएंगे। अर्थात किसी के घर में प्रवेश करने के लिए आपका उससे प्रेम होना आवश्यक है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आपसे प्रेम है तो अपने घर में आने देंगे, प्रेम नहीं है तो नहीं आने देंगे आप। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे घर में आना है तो कैसे आओगे जब मुझसे बिना प्रेम के मेरे घर में नहीं आ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कृष्ण प्रेम में आगे पढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए क्या नियम, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ये मेरी हार्दिक इच्छा, तो तभी भगवान के धाम जा सकता हूं, उसके बिना नहीं जा सकता। तो कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या नियम, तो जानना चाहते हैं कि नहीं? जानना चाहते हैं, ठीक है ना। हम नियमों की चर्चा कर रहे हैं, कोई भी बात जो है नियमों से परे नहीं है। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या नियम है, इसको दूसरे शब्दों में कहा गया है योग की सीढ़ी, योगा लेडर। योग अर्थात है अपने आप को भगवान से जोड़ना। अब पहले अपने आप को भगवान से जोड़ना है, या कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़ता है तो उस जोड़ने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सीढ़ी, आज इनकी चर्चा होगी। सबसे पहला कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो हम यहां बैठे हुए हैं सारे, ये मुक्त जीव है कि बद्ध जीव है? बद्ध जीव है, सबके सब बद्ध जीव है। तो ये बद्ध जीव जो है, इसको अगर एडवांस करना है, इसको तरक्की करनी है, इसको प्रोग्रेस करना है, तो सबसे पहले क्या कार्य करना है, प्रथम कार्य क्या है उसके? शरणागति तो बहुत आगे की बात है, कहां फंस जाओगे एकदम, शरणागति वो कैसे चले जाओगे? सबसे पहला काम देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, उन्होंने क्लैरिटी बिल्कुल क्लैरिफाई किया। सबसे पहला काम यह है कि आपको इलिसिट एक्टिविटीज, मतलब जो आपके अनर्थ हैं, उनसे निवृत्ति प्राप्त करना, उनसे छुटकारा पाना। अनर्थ का अर्थ क्या होता है? अनर्थ किसे कहते हैं? अ न अन अर्थ मिला के बना अनर्थ, अन कही जो कही नहीं गई, अन सुनी जो सुनी नहीं गई, अन अर्थ जो मेरे जीवन का अर्थ, तो
मेरे जीवन का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं, जो रुकावटें हैं, वो अनर्थ। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं हैं, जो मेरे को प्रॉब्लम्स आती है, जो मुझे रुकावटें आती हैं, वो मेरे जीवन के अनर्थ। तो सबसे पहले मुझे अनर्थों से निवृत्ति होती, अनर्थों से छुटकारा प्राप्त। नंबर दो, जो मेरा सिस्टम चल रहा है जीवन का, उस सिस्टम के अंदर मेरे को बदलाव लाना पड़ेगा कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करने के लिए। उस मार्ग पे चलना, वो रास्ता ढूंढना है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले व्यक्ति जो है क्या करता है। हम सब वर्ण आश्रम धर्म के अंदर, वर्ण आश्रम, वर्ण का मतलब ये है चार वर्ण है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु शास्त्र कहता है कि कलयुग में सारे ही शूद्र। हमने उस शूद्र की स्टेज से ऊपर उठना है। प्रभुपाद जी ने जो है लोगों को उठा के ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण दीक्षा दी, अंग्रेजों को ब्राह्मण बनाया। वैष्णव वैष्णव जो परंपरा है उसके अंदर आप देखेंगे ब्राह्मण दीक्षा जब मिलती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो वो ब्राह्मण बन सकता है, वैष्णव बन सकता है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और वो व्यक्ति जो है कहां रहता है? कर्मकांड। कर्मकांड का अर्थ क्या है? अपने जीवन के अंदर वो रेगुलेटेड लाइफ, अर्थात नियमों का पालन करता है। और अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए पूजा पाठ करता है, अपने आनंद के लिए भगवान के घर जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अर्थात सकाम कर्म करता है। और सकाम कर्म करने को कर्मकांड, कामना सहित कार्य, कोई भी कार्य करता है उसके पीछे कामना छुपी है, एक डिजायर छुपी है, यस मुझे ये मिलना चाहिए। ये है जीरो स्टेज, शुरुआत। हम में से बहुत लोग हैं जो पहले कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, अपना अगल बगल में जो मंदिर था उसमें जाते थे, वहां जाके मंगलवार को है तो मंगलवार वाले देवता की आराधना कर ली, बुधवार को है बुधवार वाले की कर ली, बृहस्पतिवार को है बृहस्पतिवार वाले की कर ली, शुक्रवार को शुक्र वाले की कर ली, और साथ में कोई ना कोई उनके लिए कुछ ले गए और उनसे कुछ मांग के यही करते थे ना। शुरुआत में ऐसे होता। अब इसके बाद जो है उसे थोड़ा सा ज्ञान होता है, कोई ब्राह्मण कोई पंडित मंदिर का कुछ ज्ञान देता है, 84 लाख योनियों के बारे में पता लगता है, स्वर्ग लोक के बारे में पता लगता है, स्वर्ग लोक से ऊपर कौन से लोग हैं उनके बारे में पता लगता है, वैकुंठ के बारे में पता लगता है, तो उसको बात समझ में आती है। क्या? आत्म साक्षात्कार, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, भगवान कौन है, उनका क्या नाम है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे निभाना, ये सारे ज्ञान प्राप्त कर। इसको कहा गया है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, दूसरे शब्दों में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस ज्ञान को प्राप्त करता है, आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान प्राप्त करता है, मन बुद्धि अहंकार का ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके बाद वो हौले हौले जो है जो भौतिक संसार के कार्यकलाप है उनसे निवृत्ति लेता है, अर्थात छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करता है, फलों को त्याग देता है। ये समझ जाता है कि भगवान के धाम जाने के लिए निष्काम कर्म चाहिए, सकाम कर्म से मुझे योनियां भोगनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सकाम कर्म करेंगे या पुण्य फल मिलेगा तो शास्त्र के अनुसार करेंगे, शास्त्र के विरुद्ध करेंगे तो पाप फल मिलेगा। चाहे पुण्य फल हो चाहे पाप फल हो, भोगने के लिए शरीर चाहिए, फल खाने के लिए मुंह चाहिए कि नहीं चाहिए,
तो जब पुण्य फल होगा तो भी और पाप फल होगा तो भी भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो भगवान के धाम कैसे गए, नहीं जा सकते आप। इसीलिए जो है मुझे बात समझ जाता है और अपने जो भौतिक कार्यकलाप है उनमें कमी जाती है, आध्यात्मिक कार्यकलापों को बढ़ाता है कि मैं किसी तरीके से कृष्ण भक्ति में आगे चलता। ये उसका जो है कर्म योग चल रहा है, निष्काम कर्म। अब थोड़ा और आगे बढ़ता है, भौतिक संसार में भौतिक फलों के प्रति आकृष्ट नहीं होता, अपने कर्मों के फलों का परित्याग कर देता है, तप करता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, ऑस्टेरिटी करता है, तपस्या। आप जब यहां आए थे उसके पहले आपको मालूम था कि चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, चाय पीते थे, कौन है जो चाय नहीं पीता, परंतु ज्ञान हुआ कि चाय जो है मन को भटकाती है, जब मन भटकेगा तो मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे नशीली वस्तुओं का प्रयोग हानिकारक है, चाय आपने छोड़ दी। जब चाय छूट गई कैसे हुई, चाय छोड़ना आसान है क्या, कितने लोग चाय पीते हैं, क्यों नहीं छोड़ी लीजिए आपने, तपस्या नहीं कर पाए ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, ये तपस्या है कि सर दर्द हो रहा है फिर भी मुझे नहीं पीनी, आहिस्ता 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 ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाके राय कर सकते हैं कि मेरे को विकराल सिम्टम आ रहे हैं, मैंने चाय छोड़ दिया, मुझे क्या करना चाहिए, हमें चाय शुरू कर ली, तप में खड़े नहीं उतरे, तो जब तप पे ज्ञान योग जब होता है, ज्ञान योग में आता है तो तपस्या करता है और उसके साथ ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म मतलब भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, तब जो है वो ज्ञान कांड में आता है, ज्ञान योग में और तरक्की करता है। ज्ञान योग में है उसने जो है अपने सारे कर्मों के फलों का परित्याग कर दिया है, उसने तपस्या कर ली है, उसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और साथ ही उसने जो है मन को वश में करके अपने मन को जो हृदय में परमात्मा बैठे हैं विराजमान है उनके प्रति केंद्रित कर दिया है, अर्थात मेडिटेशन आरंभ है, जिसको भगवान भगवद गीता के छठे अध्याय में अष्टांग योग ध्यान योग की सारी चर्चाएं कर रहे हैं। परंतु अभी देखता है कि कृष्ण प्रेम अभी प्राप्त नहीं होगा, भगवान कहते हैं भक्तिया वहां अभी जाना थी, भक्त मेरे को केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता, मेरे को भक्ति के द्वारा जा सकता है। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम रामे बुद्धि योगंतम इन मांगू बयान जी को, कि जो निरंतर लगातार मेरी प्रेममयी भक्ति में लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मैं मेरे पास आ सकता। तो प्रेम प्राप्त करने का भगवान के धाम जाने का रास्ता क्या बताया गया, नियम क्या है उसके लिए, नियम क्या है, नियम है भगवान की प्रेममयी सेवा, यही एक नियम। अर्थात जब तक जो है आप भगवान की प्रेममयी सेवा में नहीं उतरेंगे, नहीं करेंगे, तब तक आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं। अब आया है वो भक्ति के अब इसके बाद कहा जा रहा है अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मा ध्यानमृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति के लक्षण क्या, उसके नियम क्या, आप जो है उत्तम भक्ति में आ जाए उसके नियम क्या। इसे भी बताया कि भक्ति के बिना तेषां सतत युक्ता नाम हरिताम प्रीति पूर्वकम भक्त्या माम अभि जानति, भक्त ही मुझे जान सकता है, अर्थात मेरे को केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। प्रश्न ये है कि वो भक्ति के नियम क्या, वो क्या क्या ऐसे जो है भक्ति के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उस भक्ति में क्या गुण होना चाहिए, क्या उसमें खास बात होनी चाहिए,
कि आपको भगवान का प्रेम ऐसे उपलब्ध होगा, आपको भगवान का प्रेम जो है ऐसे उपलब्ध हो जाए उसके लिए आपको क्या चाहिए। देखिए भगवान बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुदुपार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्तस्य, नित्य मतलब क्लोज, युक्तस्य मतलब मेरे से जुड़े हुए। कैसे? जो हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। निरंतर का मतलब होता है एक क्षण भी भगवान के बिना, उसके लिए मैं सुलभ। अब सुलभ का अर्थ क्या होता है? सुलभ इजिली अवेलेबल, मतलब द्रौपदी ने पुकारा और भगवान मन की गति से भी जल्दी उत्तरा ने पुकारा तो भगवान तुरंत उपलब्ध हो गए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। तो आप देखेंगे कि भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चेता मतलब सततम, भगवान का आपको स्मरण जो है वो निरंतर करना है। ऐसा नहीं कि आप अच्छा अच्छा कर लेंगे कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। नो, लगातार एक क्षण भी भगवान के नाम। यहां पर जो है भगवान कह रहे हैं कि उत्तम भक्ति के लक्षण क्या है। उत्तम भक्ति किसे कहते हैं? उत्तम भक्ति के लक्षण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वरूप लक्षण, थोड़ा सा मुश्किल है पर ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। न समझ में आए मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बता। एक है स्वरूप लक्षण और दूसरे है तटस्थ लक्षण। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है अनुकूल्यन। अनुकूल्यन के अंदर जो है क्या है, जो कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है उनका अनुकूलन करना है, उनका निरंतर अभ्यास करना है, ये स्वरूप लक्षण है। दूसरा है तटस्थ, तटस्थ मतलब क्या होता है? मार्जिनल, मार्जिनल मतलब बॉर्डर में, थोड़ा 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 थोड़ा। तो क्या है? अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मणा ध्यान, कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई भी अभिलाषा, कोई भी का मतलब होता है कोई भी। तब उत्तम भक्ति का फाइनल करेंगे तब आपको बताएंगे कोई भी अभिलाषा के अंदर फाइनल चीज क्या होती है। आपको भोग की अभिलाषा नहीं है, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं 84 लाख योनियों से बाहर निकल जाऊं, यह भी अभिलाषा नहीं। क्यों? इसलिए ये अभिलाषा भी नहीं, ऐसा क्यों? क्यों नहीं कर सकेंगे? जब आप भगवान के धाम चले गए वहां जाके सेवा में लगे हुए हो, कृष्ण प्रेम कर भी तो वहां पहुंचोगे आप। यस, शी इज राइट। अरे सेवा यहां करनी है, सेवा वहां करनी है, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं अभिलाषा क्यों करूं? जब मेरे को सेवा करनी है, सेवा मुझे यहां भी करनी है, सेवा ठाकुर जी के धाम में भी करनी है, तो मैं सेवा जब कर ही रहा हूं, मेरा हर कार्य जो है वो अकर्म है, कृष्ण के प्रति है, कृष्ण की सेवा के लिए है, मैं कोई कार्य अपने लिए नहीं। जब सेवा यहां भी करनी है और सेवा वहां भी करनी है तो मुझे क्या करना है? अनुकूल भाव से कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना, अनुकूल भाव। अनुकूल भाव क्या होगा? जो कृष्ण के अनुकूल, मेरे अनुकूल नहीं, किसके अनुकूल? कृष्ण के अनुकूल। उस भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना, निरंतर अभ्यास करना, निरंतर प्रैक्टिस करना, हर समय उन्हीं का कार्य करना, वो उत्तम भक्ति। अनुशीलन का अर्थ होता है निरंतर
कंटिन्यूअसली गंभीर रूप से प्रयास कर रहा था सीधे स्ट्रिक्ट ट्राई कर, ऊपरी तौर पर ट्राई नहीं मारनी, सेवा करनी है तो बिल्कुल सीरियस होकर करनी है, एकदम गंभीर रूप से करनी है। अब आता है कि सेवा आप कितने तरीके से करते हो, सेवा करने का तरीका क्या है। चलिए एक बात मान ली, तन मन और धन, शास्त्र कहता है कि सेवा होती है काय कायस अर्थात शरीर से, वाचिक वाणी से और मानसिक मन से, तीन प्रकार से सेवा। इसमें जो है अब सेवा करते हो आप दो तरीके से, पढ़ा होगा आपने बड़े बड़े संतों को सुना होगा, एक कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और एक कहते हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग क्या होता है, प्रवृत्ति आम भाषा में प्रवृत्ति को कहते हैं, जो आम भाषा में यूज करते हैं ये प्रवृत्ति का है, मतलब भौतिक संसार के प्रति इस्तेमाल होता है कि भौतिक संसार के प्रति प्रवृत्ति और भौतिक संसार के प्रति निवृत्ति। निवृत्ति मतलब भौतिक संसार को त्यागना और प्रवृत्ति का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। परंतु यहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों जो है इस्तेमाल हो रहे हैं कृष्ण भक्ति के लिए। कैसे, प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि जो कार्य जो वस्तुएं कृष्ण को पसंद है, कृष्ण की भक्ति के फेवरेबल है, उनके अनुकूल है, उनको स्वीकार करना, तो प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कृष्ण भक्ति के प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति का मतलब है कि जो वस्तुएं कृष्ण की भक्ति के प्रतिकूल है, उसके अगेंस्ट है, जो कार्य जो वस्तुएं हमें कृष्ण भक्ति से दूर ले जाएंगी, उन नियमों को छोड़ देना, वस्तुओं को छोड़ देना, ये नियम। तो दो नियम हुए, एक नियम हुआ प्रवृत्ति मार्ग का, एक नियम हुआ निवृत्ति मार्ग। तो नियम क्या बना कि कोई भी कार्य जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेना, और कोई भी कार्य जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का नियम। अब आगे बात कि कृष्ण के प्रति जब आप भक्ति करते हैं तो आपका अभ्यास जो है वो चाहिए निरंतर। अगर अभ्यास निरंतर है तो ये नियम स्वीकार्य है, अगर अभ्यास निरंतर नहीं है तो ये अस्वीकार्य है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। अब आती इसके बाद बात कि कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। मैंने पिछली बार शायद चर्चा करी कि बार बार कृष्ण का स्मरण हो रहा है, बार बार कितने प्रकार से हो सकता है, भगवान का स्मरण कृष्ण का स्मरण या राम जी का स्मरण जो है वो कितने प्रकार से होता है। यहाँ अनुकूल्य शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना, अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द हैं। भगवान लड़ाई का आस्वादन करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, उस युद्ध के आनंद लेने के अंदर जो उन असुर हैं वो भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे हैं, जैसे कंस ने किया, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तो कृष्ण का स्मरण देता नहीं रहता था। रावण ने किया, उसे राम जी का स्मरण देता था नहीं रहता था। परंतु ये जो है कृष्ण को तो रुचिकर है कि मुझे अपने बल का प्रदर्शन करना है, और उनकी योग माया ने जो है जय और विजय को धरती पर भिजवाया है, चारों कुमारों से शाप भिजवा। परंतु ये जो है कार्य ये कृष्ण को रुचिकर है परंतु अनुकूल नहीं, भक्ति के अनुकूल इसको भक्ति नहीं माना जा सकता, ये भक्ति रस नहीं,
यशोदा मैया दामोदर लीला के अंदर जब भगवान की जो है कमर के ऊपर रस्सी बांध रही है, उन्होंने जो है उस वक्त दूध को फैलने से बचाने के लिए कृष्ण को छोड़कर गई थी, दूध उफंदा रहा, कृष्ण को दूध पिला रही थी, जब दूध उफंदा देखा तो छोड़कर चली गई थी। उस स्थिति के अंदर जो माता का भागना था वो कृष्ण को रुचिकर नहीं था, इसलिए उन्होंने बटकी छोड़ दी। रुचिकर नहीं था, उनको पसंद नहीं था, परंतु माता यशोदा के अंदर कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव नहीं। कंस के मन के अंदर कृष्ण के प्रति भाव कैसा था? प्रतिकूल। रावण के अंदर राम जी के प्रति भाव कैसा था? प्रतिकूल था। पर माता यशोदा जो है वो कार्य कृष्ण के अनुकूल नहीं था कि मुझको छोड़कर क्यों गई, परंतु माता यशोदा के हृदय के अंदर भाव जो है वो कृष्ण के प्रति हमेशा ही अनुकूल था, कभी भी प्रतिकूल नहीं। इसीलिए उसको जो है आप भक्ति रस करेंगे। तो नियम क्या हुआ? नियम हुआ कृष्ण भक्ति के अनुकूल हर वस्तु को स्वीकार करना है, उसी के अनुकूल कार्य करना। अब अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य कोई अभिलाषा नहीं। तो अभिलाषा क्या है, नियम क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए नियम क्या है? नियम यह है कि मुझे कृष्ण भक्ति की ही अभिलाषा है और कोई अभिलाषा। अभिलाषा का सिंपल मीनिंग क्या होता है? डिजायर, इच्छा, यही बोलते हैं ना अभिलाषा को। तो नियम क्या हुआ कि मुझे केवल कृष्ण भक्ति की अभिलाषा है और कोई अभिलाषा। अब यहां पे चर्चा हो रही है कि मेरी कृष्ण की सेवा की कामना को छोड़कर और कोई कामना नहीं। अब प्रश्न आता है, जब उत्तम भक्ति की चर्चा करते हैं, उत्तम भक्ति का मतलब है सर्वश्रेष्ठ भक्ति, उससे कोई श्रेष्ठ भक्ति नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो है रूप गोस्वामी भक्ति सांपत सिंधु से चल रही सारी चर्चा लिखते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति करते हुए भक्ति के सिवा कोई भी प्रार्थना कर देता है उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म पर। कैसी प्रार्थना? उसका उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया है? कि यदि किसी भक्त का भगवान की सेवा करते हुए मृत्यु से साक्षात्कार हो जाए, अर्थात उसको मृत्यु भी आ जाए, तो संकट टालने की भी भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा, तब उत्तम भक्ति में है। अगर उसने भगवान से संकट टालने की प्रार्थना कर दी, हे ठाकुर जी मैंने भी आपकी सेवा और करनी है, मृत्यु को कुछ क्षणों के लिए रोक लू या मैं ठीक हो जाऊं, उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म पर। अन्य अभिलाषिता शून्य, शून्य मतलब जीरो, अन्य अभिलाषिता मतलब भगवान की सेवा को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर मेरी और कोई अभिलाषा, कोई डिजायर। उत्तम भक्ति के अंदर जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो कृष्ण की सेवा के सिवाय कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर आपने जो है अपने संकट, जो आपके संकट आ पड़ा है, उसके निवृत्ति की कामना कर दी, तो आप उत्तम भक्ति में नहीं है। तो नियम क्या है कि कृष्ण की भक्ति करते हुए प्राण भी चले जाए तो कोप नहीं करना, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का नियम है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये नियम। अब आती है बात ज्ञान कर्म, ज्ञान कर्म बोला ना, ज्ञान भी और कर्म भी। ज्ञान कर्म का क्या पोजीशन है? ज्ञान कर्मा जनावृतम, अर्थात जो भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई है, मिश्रित है, वो उत्तम भक्ति नहीं है। तो नियम क्या है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको छोड़ दीजिए,
जो आप कर्म योग में लगे हुए थे उसको छोड़ दीजिए, काम करिए केवल कृष्ण अपने लिए। अर्थात आपको दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे छोड़ना पड़ेगा, कैसे छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ज्ञान कितने प्रकार का है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में रूप गोस्वामी ज्ञान की ओर बता रहे हैं तीन प्रकार का ज्ञान। पहला ज्ञान तुम पदार्थ ज्ञान, अर्थात जीव के स्वरूप का ज्ञान। क्या स्वरूप है जी आपका? जीव ने स्वरूप नित्य, आप भगवान के दास हैं, अर्थात मैं भगवान का दास हूं, इसका ज्ञान। नंबर दो, जीव और भगवान के संबंध का ज्ञान। मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसका मुझे ज्ञान होना चाहिए। तो क्या संबंध है? मैं वंश जीव लोग जीव भूत सनातनी वंश चार इंद्रिया प्रकृष्टानी दर्शन। भगवान कह रहे हैं ये जीव मेरा ही है, नौ सनातन अंश है। जो अंश है किसका? भगवान का। तो अंश का कार्य होता है अंशी की सेवा। ये मेरा हाथ मेरे शरीर की सेवा कर रहा है, क्योंकि शरीर का अंग है। ये मेरी आंख मेरे शरीर की सेवा कर रही है, क्योंकि मेरे शरीर का अंश है। और मैं भगवान का अंश हूं, तो मेरा काम क्या हो गया? ज्ञान मुझे क्या होना चाहिए? मुझे भगवान की सेवा। यहां पर आएगा जीव के स्वरूप का ज्ञान और जीव तथा भगवान के संबंध। अब आती है दूसरी बात, तत्पदार्थ का ज्ञान। तत्पदार्थ का मतलब यह है कि भगवान कौन है, भगवान का क्या नाम है, भगवान कहां रहते हैं, भगवान का धाम कहां है। परम करुणामय है, समस्त वेद शास्त्रों में उनको ही स्थापित किया गया है, और सारे वेद और सारे शास्त्र उन्हीं की बांसुरी की ध्वनि से उद्भूत हुए। ये ज्ञान, अर्थात भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जीव और भगवान के संबंध का ज्ञान, जीव के स्वरूप का। और तीसरा है जीव और ब्रह्म, जीव और भगवान का एक एक ज्ञान। एक कैसे? कि जीव में और भगवान में क्या भेद है, डिफरेंस क्या है, कुछ प्रत्येक अस्तित्व है या एक ही है, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान है? जो लोग ये कहते हैं कि समुद्र की एक बूंद समुद्र में जाके अलग नहीं होती, उसको मिल जाती है, इसलिए जीव जो है वो भगवान में मिल जाता है, वो गलत है। जीव का इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है, जीव की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अर्थात उसका जो है एक जीव अलग है और भगवान अलग है, वो कभी भी एक नहीं होते। ना तो जातु ना सर ना तो देवा ना चेहरे होशियार समय अतः परम। कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ तू नहीं था, कभी नहीं हुआ मैं नहीं था। अर्थात भगवान यहां पर जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर, इसका जो है ज्ञान होना। अर्थात यहां पर जो है बता दिया भगवान ने कि मैं अलग हूं और तुम अलग। तो जब हम कहते हैं कि ज्ञान और कर्म इन दोनों से मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मिल गया, अपना ज्ञान मिल गया, भौतिक संसार का ज्ञान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, भगवान के संबंध का ज्ञान मिल गया, भगवान की सेवा का मिल गया, ज्ञान मिल गया, अब क्या करूं? ज्ञान को लेके बैठा रहूं कि सेवा करूं? क्या चाहिए? आप यहां कैसे आए? गाड़ी में? गाड़ी में आए ना बाबू जी? गाड़ी कंधे में लगी हुई क्या? बाहर खड़ी छोड़ा, कंधे में साथ लाद कर नहीं लाए। ज्ञान आपको भक्ति के मार्ग पर पहुंचाने का प्रोसेस है, टूल है। ज्ञान प्राप्त करके आपको पता लगा है, पहले हमें नहीं पता था कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। पहले मुझे नहीं पता था, मुझे तीन ही बातें पता थी, सबको तीन बातें पता थी, एक नरक होता है,
ये पृथ्वी पर रहते हैं, एक स्वर्ग होगा। गोलोक वृंदावन के बारे में कितनों को मालूम था पहले, वैकुंठ के बारे में और असंख्य वैकुंठ के बारे में कितनों को मालूम था, किसी को ज्ञान नहीं था। पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये पता लगा कि भगवान से मेरा क्या संबंध है और संबंध को जो मैं निभाऊंगा भगवान के धाम जाऊंगा। अब मैं उस ज्ञान को लेके बैठा रहूं, ज्ञान ज्ञान करता रहूं, या मैं भगवान की भक्ति में बन जाऊं। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भक्ति योग, अर्थात अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा। तो नियम क्या हुआ कि मेरी भक्ति अगर उत्तम भक्ति में करना चाहता हूं तो ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं होनी चाहिए। मेरा कर्म केवल भगवान के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। मुझे भूल कर भी जो है विलासा नहीं करनी है कि ठाकुर जी मुझे ठीक कर दो, आपकी भक्ति में मेरे को अड़चन आ। लो राम जागने मंजूर है परंतु अभिलाषा। तो ये नियम हो गया। अब श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक है, तावत् कर्माणि कुर्वते न निमित्तेन यावता मत् कथा श्रवणादो वशद्धा यावत् न जायते। कहा जा रहा है जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण हम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार ही कर्म करना होता है। वैदिक आदेशों के विधान अर्थात जो नियम है उनके अनुसार ही कर्म करना होता है, उसके बिना नहीं। तब तक जब तक वो सकाम कर्म के छुटकारा नहीं, जब तृप्त हो जाएगा, कामनाएं पूरी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, पूरी होती जाएंगी, थक जाएगा, अरे कामनाओं का तो एंड ही नहीं आ रहा, कामनाओं की तो तृप्ति नहीं हो रही, अरे मैं कहां तक जाऊं, मैं क्या करूं। जब उस स्टेज में आ जाएगा उसके बाद कथा सुनेगा, कृष्ण कथा सुनेगा, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम इनका वर्णन सुनेगा और उसके बाद जो है उसकी भक्ति में रुचि जागृत होगी। जब भक्ति करेगा तो कीर्तन करेगा, जप करेगा, भगवान के नामों का कीर्तन करेगा, लगातार विष्णु का स्मरण करेगा और फिर हौले हौले अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम उस स्थिति में आएगा। जब उस स्थिति में आएगा तब तक आने के लिए उसको वैदिक भक्ति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। ये नियम है, वैदिक भक्ति मीन्स आप साधना भक्ति कर रहे हैं और नियमों के अनुसार कर रहे हैं। आपको नियम दिया 16 माला जपनी चाहिए, नियम है कि नहीं, मिला नहीं मिला नियम, ये नियम मिला, ये नियम है, ये साधना भक्ति है, आपको इसके अनुसार चलना। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक कोई किसी का पूर्ण श्रद्धा नहीं हो जाती, भगवान कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा नहीं हो जाती जब तक वो भक्तों का संग नहीं कर लेता, जब तक वो भगवान की सेवा में निरंतर नहीं रहता, तब तक उसे जो है कायदे कानून नियम बनने में भी चलना पड़ता है, उसे छुटकारा नहीं मिलता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रुति और स्मृति ये दोनों प्रकार के जो ग्रंथ हैं, दोनों प्रकार का जो ज्ञान है, इनको आप मेरे नियम समझो, माय इंजेक्शंस, ये मेरे बनाए हुए नियम, और जो नियमों का उल्लंघन करता है वो मेरा उल्लंघन कर रहा है, ये भगवान है। श्रुति क्या है? श्रुति किसे कहते हैं? स्मृति याद करना। तो कुछ श्रुति शास्त्र है, कुछ स्मृति शास्त्र है। श्रुति शास्त्र वो है जो कहे गए भगवान, उसमें आते हैं वेद और उपनिषद। स्मृति शास्त्र वो है जो इतिहास है, पुराण, रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत। एक श्रुति शास्त्र ऐसा है जो स्मृति शास्त्र है। स्मृति शास्त्र का मतलब होता है कि माता ने कोई बात समझाई
नहीं समझ में आ रही थी तो बहन से जाके पूछा और प्रश्न उत्तर हो गया। एक ऐसा शास्त्र है जो कि श्रुति भी है और स्मृति भी है। कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता। भगवान के मुख से आई है इसलिए श्रुति है, और अर्जुन के प्रश्न भी है बीच में, भगवान के उत्तर है इसलिए स्मृति। दोनों प्रकार का शास्त्र। तो उसके अंदर जो नियम दिए गए हैं, जो भक्ति के नियम दिए गए हैं, उनका पालन करना है। अब इसके बाद चर्चा आती है कृष्ण प्रेम का मंदिर, मतलब कृष्ण प्रेम के मंदिर कहाँ है, नंबर एक, और नंबर दो, वहां तक पहुंचने के लिए क्या नियम, जो चर्चा कर रहे हैं उसी का कंटिन्यूएशन। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो कृष्ण प्रेम का मंदिर है वो गोलोक वृंदावन की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी। गोलोक वृंदावन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कृष्ण प्रेम का मंदिर, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको 14 भुवनों को पार करना पड़ेगा। जो कर्म कांड आप कर रहे थे वो त्यागने पड़ेंगे, उसके बाद जो है गिरिजा नदी पार करनी पड़ेगी, ब्रह्मलोक पार करना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में क्या है, ज्ञान कांड लेके आप वहीं तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद जो है आप जब उसको पार कर जाएंगे तब आप वैकुंठ में पहुंचेंगे। तो वहां तक पहुंचने के नियम क्या, उस उच्चतम चोटी तक पहुंचने के लिए भक्ति के नियम क्या। नंबर एक, अभी हमने बताया कर्म और ज्ञान दोनों को आपको त्यागना, अर्थात कर्म कांड। इसमें आपको निष्काम कर्म भी छोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, निष्काम कर्म योग में आना पड़ेगा। निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग, इन दोनों में भेद है। क्या भेद है? निष्काम कर्म किसे कहते हैं? कर्म करना है, कामना नहीं है, कर्म करना है, परंतु कर्म को कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा। उदाहरण देता हूं, गाड़ी में जा रहे थे, भिखारी आया 2 रुपए बढ़ा दिए, भूखा आया घर के आगे 2 रोटियां खिला दी, सब्जी में रोटते देगा छाव दे दिया, मुझे कोई कामना नहीं, आई डोंट डिजायर। ये क्या हुआ? निष्काम कर्म, परंतु इसका पुण्य फल मिलेगा और भोगने के लिए शरीर। अगर मुझे उसे 2 रुपए देने हैं तो क्या कहते हैं भगवान, यत करोषी यशनासी यच्छुरोषी ददासी यथा यत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषावदर्पणम्। कि जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, मुझे अर्पित करते हो। इस श्लोक में बड़ी गहराई है। नियम क्या है? भगवान ने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुत च। नियम क्या है कि मैंने कर्म किया और कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर दिया। नो 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 नो, पहले अर्पित करना है फिर किसी को देना। भगवान ने कहा है कि नहीं कि युद्ध करते हुए मुझे स्मरण करो। प्राइमरी चीज क्या हो गई? युद्ध। सेकेंडरी चीज क्या हो गई? स्मरण। लो माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब पहले मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। अर्थात हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उसके अंदर सबसे पहले कौन आएंगे? भगवान। तो अगर आपने जो है उस धन को पहले भगवान को अर्पित कर दिया है, उसके बाद आप किसी भिखारी को 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए दे देते हो, तो वो निष्काम कर्म नहीं हुआ, निष्काम कर्म योग। अर्थात पहले भगवान को आपने अर्पित कर दिया, आप उसको प्रसाद के रूप में 2 रोटियां खिला रहे, पहले रोटियां भगवान को, तो पहले जो है जो आपने मिष्ठान बनाया, जो खाना बनाया, जो आपने खाने की वस्तुएं बनाई, पहले भगवान को भोग लगाया, भगवान को अर्पित किया, उनको अर्पित करने के बाद फिर उसमें से आप कुछ निकाल के किसी को देते हो, तो क्या हो जाएगा? वो प्रसाद। तो निष्काम कर्म योग में रहना है, ना कि निष्काम कर्म। यहाँ कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले कर्म और ज्ञान, इन दोनों से ऊपर उठना है, तभी आप भक्ति के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।
वरना भक्ति करने के लिए योग नहीं। और जब आप जो है इन दोनों से छुटकारा पा लोगे तब आप कृष्ण प्रेम के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। बड़े सुंदर शब्द यूज किए, आफ्टर क्रॉसिंग दी वेरियस स्टेजेस ऑफ भक्ति वन रीचेस द टेंपल डोर ऑफ प्रेमा, तब जब आपने कर्म और ज्ञान इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, प्रोसेस बने, ज्ञान से आपको पता लगा मुझे क्या करना चाहिए, तो ज्ञान को आप कंधे में लादे नहीं घूम रहे, उसको छोड़ दिया, अब गौन हो गया, मुख्य कार्य क्या हो गया, कृष्ण की प्रेममयी से मुख्य कार्य। अब कहते हैं कि अगर आपको भक्ति के लेवल पे ऊपर जाना है, मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी उसका एक ही नियम, क्या नियम है किसी को याद है, उसका एक ही रूल है, एक ही कायदा है, एक ही कानून है, एक ही नियम है, और नियम है श्रद्धा। श्रद्धा इज द ओनली रूल, नथिंग एल्स। क्योंकि जब तक आपकी जो है भगवान में श्रद्धा नहीं होगी आप पर कदम ही नहीं उठेगा मंदिर की ओर। जब तक गुरु साधु शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक भगवान में श्रद्धा नहीं होगी आपके कदम ही नहीं मंदिर की ओर उठेंगे, आपके कदम भगवान की ओर नहीं उठेंगे। तो भक्ति का एक ही नियम है और वो नियम है श्रद्धा। जब श्रद्धा के लेवल में आते हैं फिर आपका साधु संघ होता है तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है फिर साधु संघ होता है, दो इंटरलिंक्ड। आपकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी, किसी साधु का संग हो गया, भगवान के बारे में पता लगा, आपकी भगवान में श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हो गई तो साधु संघ पढ़ना शुरू हो गया, सबसे पहले क्या हुआ साधु संघ, फिर क्या आई श्रद्धा, श्रद्धा आने में फिर क्या हुआ साधु संघ, इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हो। तब आप इसके बाद पहुंचोगे भजन क्रिया में, भजन क्रिया के बाद जाओगे अनर्थ में, आपने अनर्थों को त्याग। अब क्या होता है जैसे जैसे आप जो है साधु के संरक्षण में गुरु के संरक्षण में आगे प्रोग्रेस करते हो तो श्रद्धा आपकी जो है वो अटूट हो जाती है, अटूट। अब मुझे इस श्रद्धा से कोई टिका नहीं सकता, नहीं जी आप जितना मर्जी कर लो, मैं पक्का पक्का हूं, मैं नहीं बदलने वाला, आप पूरी ट्राई कर लो, मेरे को बात समझ में आ चुकी है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे बात समझ में आ गई है कि भगवान कौन है, आप मेरे को टिका नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि अब आपकी श्रद्धा जो है वो निष्ठा में परिवर्तित हो, अब आप निष्ठा में, जब निष्ठा में आते हो तो रुचि होती है, रुचि में पक्के हो जाते हो तो आसक्ति होती है, आसक्ति में पक्के हो जाते हो तो भाव आता है, अब जब भाव आ जाता है, अब चर्चा करेंगे इसके बाद अगले सप्ताह भाव के बारे में, सबके बारे में, तो जब भाव आ जाता है उसका अगला स्टेप है, अगली सीढ़ी है कृष्ण प्रेम। तो ये नौ सीढ़ियां, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर कृष्ण। तब आप उस लेवल में जाते हैं। अब भागवतम के अंदर समाप्त करने से पहले 10 मिनट का, भागवतम के अंदर जो है 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, जहां पर जो चर्चा हो रही है, यथा यथा आत्मा परिवृत्तते असौ मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षु यथा एव अंचन समृत्तम। इसका अर्थ दिया गया है जब रुग्ण आंख का उपचार औषधीय अंजन से किया जाता है, मतलब जब आपकी आंख लाल हो जाती है, आंख में बीमारी हो जाती है, तो आप उसमें कौन सी दारू डालते हो, कौन सी दवा डालते हो, दवा डालते हो ना, तो अंजन क्या है दवा, कब डाली जाती है, जब आंख जो है वो बीमार हो जाती है, इससे आंख में धीरे धीरे देखने की शक्ति आए, पहले लाल हो गई थी, सूज गई थी, दिखाई नहीं दिया, आपने अंजन डाला दवा रूपी, तो
तो आंख ने देखना शुरू कर दिया। इसी तरह जब चेतनामय जीव मेरे यश की पुण्य गाथाओं के श्रवण और कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कल्मश को धो डालता है, तो वह फिर से मुझ परम ब्रह्म को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं शक्ति प्राप्त करता है किसके लिए? मेरा आध्यात्मिक रूप देखने के लिए। अब चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, भगवान को किसके द्वारा देखा जा सकता है? ज्ञान चक्षुओं के द्वारा। भगवान को ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देख सकते। प्रभुपाद जी भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 16वें श्लोक के परपट में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जो नया भक्त है, नव दीक्षित, वो मंदिर में आता है, ठाकुर जी के आगे खड़ा होता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं आपके दर्शन चाहता हूं। क्या कहता है? मैं आपके दर्शन चाहता हूं, कृपया मेरे को दर्शन दे। परंतु जो एक एडवांस डिवोटी है वो भगवान के सामने खड़े होके भगवान से कहता है कि आपने बड़ी कृपा करी मुझे अर्च विग्रह के रूप में दर्शन, क्योंकि वो अर्च विग्रह को और भगवान को अलग अलग नहीं समझता। तो वो जो अंजन है, वो अंजन किसका है कि मेरे को अर्च विग्रह में भगवान दिखाई दे रहे हैं, मेरे को दूसरे ओहो ये तो भाई मूर्ति है, मैं तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हे ठाकुर जी आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा। पर आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं? हमें आपसे दर्शन दिया नहीं प्रभु जी, हम लोग आते हैं मंदिर में, आगे मंदिर खड़े हो जाते हैं और मन ही मन कुछ ना कुछ कहते हैं, अरे भगवान सामने खड़े उनका श्रृंगार उनका रूप उसके दर्शन करो, आगे फाड़ पाओगे, चौड़ी चौड़ी आंखें करके दर्शन करने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में आए और आंखें बंद कर ली। और मजे की बात क्या होती है कि 2 मिनट के बाद जब आंखें खोलते हैं तो मंदिर के पट बंद हो चुके, पता लगा ठाकुर जी के सोने लगे। अरे भाई मेरे दर्शन नहीं किए, तो भाई जब तू आया था तू क्यों ही आंखें खोली? मतलब अभी हम लोगों के अंदर जो है वो अकल वो सुमति। तो भगवान यह कहते हैं कि जब वो मेरे नाम मेरे गुण मेरे रूप मेरे लीलाएं और मेरे धाम इनका वर्णन सुनता है, इनकी कथाएं सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तन है, ये कितनी पुण्यमय है सुनने में, कितनी अच्छी है। जब इनकी लीलाएं सुनता है तो अपने भौतिक कलमश को धो डालता है। कैसे? चेतो दर्पण मात्र। भगवान की कथाएं सुन सुन के, भगवान की लीलाएं सुन सुन के हमारी जो हृदय की गंदगी है, जो जो उसमें जो है कचरा पड़ा हुआ है वो सब साफ हो, तब हमें दिखता है अरे भाई ठाकुर जी तो सामने है, मैं कहां ढूंढ रहा हूं, मैं ठाकुर जी को कहां ढूंढ रहा हूं, वो तो मेरे सामने खड़े हैं। तब उसके मन के अंदर जो है भगवान का सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप देखने की शक्ति है। अब यहां पर जो है श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन करता है, कैसे? विद ग्रेट सिंसियरिटी। सिंसियरिटी क्या होती है? से पूरी ऑनेस्टी से पूरी ईमानदारी से अर्थात उसमें कोई रुकावट कोई बाधा नहीं होगी, तो उसका इमीडिएट उसको ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट मिलता है, दिव्य आनंद की स्थिति में, अगर वो भक्ति के प्रति सिंसियर है। और हम जो है जब भगवान के नाम रूप लीला धाम का वर्णन जो है उसको करते हैं तो क्या होगा? हम जो है एकदम भगवान की शरणागति में चले, तुरंत शरणागति स्वीकार कर लेंगे। और कैसे? वो भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम सुनने के लिए मेरे को जो आंखें चाहिए, जो पढ़ने के लिए सुनने के लिए समझने के लिए,
ज्ञान चाहिए वो कैसे मिलता, कैसे प्राप्त होता, कैसे? चक्षुरा निरोधे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कैसे आया दिव्य ज्ञान? आपके हृदय में प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हो गया? कि आपका जो है पूरा फाइट स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रमाणिक गुरु है उसकी आपने सेवा करी, उसका कीर्तन किया और आपके हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है यहाँ भगवद गीता के अंदर। तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान चन्तम् नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। कब दूर करता हूं? उसकी पहले शर्त बताइए। क्या शर्त बताइए? शाम सतत मुक्ता नाम अजता पूर्वकम कदा भी बुद्धि योगम तम ये नामो बयान पीते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते। तो नियम क्या हुआ? कृष्ण प्रेम के मंदिर में पहुंचने का नियम क्या हुआ? रूल क्या है? नियम क्या है? नियम है भगवान की भक्ति में लगातार बिना किसी बाधा के बिना किसी रुकावट के लग जाना। सतत कीर्तयन्तु मतलब हर समय सततम मतलब हर समय कृष्ण का कीर्तन, कोई क्षण ऐसा ना हो जो मैं भगवान का कीर्तन या भगवान का स्मरण न करता, एक क्षण भी मेरा नहीं बीतना चाहता। अब इसके बाद चर्चा है जो रूप गोस्वामी ने दी है, चर्चा हम कर चुके, उसकी हम जो है चर्चा कर चुके हैं। अदोषता ततो साधु संगोस्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्या ततो निष्ठा रुचि तथा अथा शक्ति ततो भाव तथा प्रेम बदति साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रम। आदो श्रद्धा, सबसे पहले कार्य क्या है? श्रद्धा। सर्वप्रथम श्रद्धा अर्थात शास्त्र वचनों का विश्वास होता है, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, भजन करने की रीति नीति, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि आसक्ति, फिर भाव का उदय होता है। भाव के कार्य होने पर प्रेम उदय होता है। तो साधकों के चित्त में प्रेम के आविर्भाव होने का नहीं क्रम। भक्ति सामने सिंधु 1.4.15 रूप गोस्वामी की चर्चा में पहले कर चुका हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। श्रद्धा और साधु संघ मैंने पहले बताया, साधु संघ होता है तो श्रद्धा होती है। अब माधुर्य कादंबरी बनेंगे वहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया उसने। और फिर जब श्रद्धा हो जाती है फिर साधु संघ, आपकी साधु में श्रद्धा हो गई, आपका बार बार मंदिर आने को मन करेगा। अब आपने कहा कि मेरे को दोनों कार्य हो गए, अब मुझे भजन क्रिया करनी है। तो भजन क्रिया में क्या चीजें आती हैं? बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, शॉर्ट में आते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। फाइनल क्या है? सब स्टेप वाइज है, उल्टा नहीं है। दास्यम श्रवणम पाद सेवनम ऐसा नहीं, एक स्टेप लेटर है पूरा। नौ विधियां है, फाइनल क्या है? आत्म निवेदन, अर्थात भगवान के प्रति शरणागत हो जाना। जब आप भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हो तो फिर आपकी केयर लेने की जिम्मेदारी आप अपने में नहीं भगवान को छोड़ दो। मरू या जीव मुझे इससे क्या लेना भाई, जो कुछ है तेरा, मेरा क्या? पति ये जीवन तुम्हारा दिया हुआ है, जब मर्जी ले लो। किसने दिया जीवन? ये शरीर किसने दिया? ये जीवन किसने दिया? तो भाई जब मर्जी ले लो, मेरा क्या? मेरा कुछ नहीं।
तो वो भाव आ जाएगा, अब आप निवेदन करोगे, अर्थात आपने कथाएं सुनी, आपने कीर्तन किया, आपने सततम विष्णु स्मरण किया, आपने पाद सेवन अर्थात भगवान के चरणों की सेवा। अब बोले भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही है, हम तो दबा नहीं सकते, कैसे होगा, हम तो लक्ष्मी की स्थिति में है नहीं और भगवान श्री सागर में सामने लेटे नहीं हुए, तो पाद सेवनम कैसे होगी। तो पाद सेवनम बात यह है कि आप जब मंदिर में आते हो, मंदिर की लिपाई पुताई सफाई, मंदिर का रख रखाव, भगवान का जो आल्टर है उसका रख रखाव, ये सारा पाद सेवन में है, ये भगवान के चरणों की सेवा में। हम लोग कहते हैं अच्छा 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 मंदिर में झाड़ू मारना है, ये तू स्वीपर का काम है, गाँव कहाँ है, कहाँ जब बुलाओ उसको स्वीपर को। अरे मुझे मौका मिल रहा है पाद सेवन का, मैं कर नहीं रहा, स्वीपर को ढूंढ रहा हूँ, तो भैया फल तो सारे वो ले गया, मुझे क्या मिला, तो भाई कौन, नहीं मैं तो अफसर हूं, मैं अफसरानी हूं, मैं कैसे करूं। अब अभी उस भक्ति के भजन क्रिया के प्लेटफॉर्म में नहीं है, अर्चनम वंदनम दास्यम भगवान के दास, दास लगा क्या होता, सेवा से उसको पूछता नहीं उसके बगैर साख्य फिर आप करेंगे। तो भजन क्रिया जब करेंगे अर्थात वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप जो है भगवान के प्रति सेवा करते हैं वो भजन क्रिया है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगी, क्या क्या अनर्थ है आपके जीवन में, अनर्थ क्या है, इन अनर्थों की चर्चा जो है आठवें पॉइंट में है, डिटेल में वहां बैठ के करेंगे। परंतु जो भी वस्तुएं कृष्ण भक्ति में बाधक बनती है वो सारी अनंत, अर्थात जो मेरे जीवन का अर्थ है उसमें जो भी बाधाएं हैं वो सब अनंत, उन सब को मुझे क्या है। अब इसके बाद चर्चा आती है अनंत मुक्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा का मतलब है अब मेरी अटूट श्रद्धा हो गई है तो तोड़ नहीं सकता। अब अटूट श्रद्धा होने के बाद आया रुचि, रुचि क्या है, रुचि क्या, मेरा भगवान की लीलाएं भगवान के गुण भगवान के रूप सबको सुनने में आकर्षण पैदा हो गया, ठाकुर जी के रूप के दर्शन करने में आकर्षण पैदा हो गया, भक्तों का संग करने में आकर्षण पैदा हो गया, कृष्ण कथाएं पढ़ने में आकर्षण पैदा हो गया, भौतिक संसार की वस्तुएं त्यागने में आकर्षण पैदा हो गया। अब मुझे भौतिक संसार की वस्तुएं पसंद नहीं है, अरे भाई मैच चल रहा है कि कथा चल रही है, कथा पे चलेंगे जी, मैच में इंटरेस्ट नहीं है कथा में इंटरेस्ट है, तो रुचि हो गई किसमें, रुचि हुई मैच में कि कथा में, कथा में। तो जैसे जैसे आपका टेस्ट डेवलप होता जाएगा क्या करेंगे, अच्छा मैं अभी रिंग रोड से जा रहा था चलो तो मंदिर दर्शन करके निकल जाता हूं, तो लेट हो जाओगे, नहीं नहीं मित्र गाड़ी तेज चला लूंगा घर से 10 मिनट जल्दी निकल लूंगा, उसको फोन कर देता हूं मैं 10 मिनट लेट आऊंगा, पर आपकी रुचि किसमें हो गई, अपने कार्य में जा रहे अपने जीवन यापन के कार्य में जा रहे हैं, परंतु रुचि किसमें है भगवान के दर्शन में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है कितना 2-2.5 किलोमीटर, और पहले क्या था मंदिर के आगे से निकल जाते थे मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, अब रिंग रोड से जा रहे हैं तो मंदिर के अंदर आने की रुचि न आसक्ति हो, आसक्ति क्या कि अब मुझे तुम्हारे सिवा कुछ सूझता ही नहीं, अब मुझे कृष्ण तुम्हारे सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। एग्जाम्पल दिया कि एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था तो उसके बगल से एक वैश्य निकल गया, तो उसने वैश्या को रोका, उसने कहा तेरे को दिखता नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तूने मेरी नमाज में खलल डाल दिया, मैं खुदा से मुखातिब था, तूने क्या किया। वो क्या कहती है, अरे मैं तो किसी के प्रेम में पागल होके जा रही थी, मुझे तुम ना दिखाई दिए, तुम तो खुदा के प्रेम में पागल थे, तुम्हें मैं कैसे दिखाई दे,
तुम कृष्ण के प्रेम में पागल हो, तुम्हें मैं कैसे दिख रहा हूं? तुम्हें कृष्ण के सिवा तो कुछ दिखना ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें मैं कैसे दिखाई देता, ये बताओ। परंतु अभी हमारा वो प्लेटफॉर्म, जब आसक्ति आ जाती है उसके बाद आता है और भाव जो है वो कृष्ण प्रेम की प्राइमरी स्टेज, इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव। कृष्ण प्रेम से पहले भाव आना जरूरी है। तो भाव में क्या हुआ, गला रुंध जाएगा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, हाथों पैरों में कंपन हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप चक्कर खा जाएंगे और गिर जाएंगे। पूछा अब आप भाव की स्थिति में, जब भाव की स्थिति में आएंगे उसके बाद कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए सारे नियम, नियम क्या है, भाव की स्थिति में आना, नियम क्या है, आसक्ति डेवलप करना, नियम क्या है, रुचि डेवलप करना, नियम क्या है, निष्ठा होनी चाहिए, नियम क्या है, अनर्थ नहीं होना, ये नियम। जब तक आप इन नियमों में उतरेंगे नहीं खरे, तब तक आपको जो है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम नहीं मिला। इसके बाद साधना भक्ति करते हुए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या नियम, तो यही जो हमने चर्चा करी है, श्रद्धा निष्ठा रुचि भाव, ये सारे जो है प्रेम के दरवाजे हैं। एक दरवाजा पार किया तो दूसरा पार किया तो तीसरा पार किया तो चौथा, और फाइनल दरवाजा क्या है, भाव। और भाव में आए तो कृष्ण प्रेम, और प्रेम प्राप्त हुआ तो कृष्ण धाम, फिर आप जो है कृष्ण के बन जा सकते। उसमें एक शर्त है, शर्त क्या है कि आप जिस स्टेप पे हैं उस स्टेप के नियमों का पालन करें। अगर आप रुचि के लेवल पे हैं तो आपको रुचि पुराने नियमों का तो पालन करना ही है, प्लस रुचि के नियम और ऐड हो गए। जब आप आसक्ति के लेवल पे हैं तो पुराने नियम तो चल ही रहे हैं और प्लस आसक्ति के नियम और ऐड हो। जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हो, दूसरे से तीसरे लेवल पे जाते हो, तो आपको उस लेवल के नियमों को स्वीकार करना होगा, आप उनको त्याग नहीं सकते। और फिर कहा कि भक्ति का अल्टीमेट नियम क्या, फाइनल, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं। एक था ओनली रूल श्रद्धा, ये है फाइनल रूल। फाइनल रूल क्या है, शरणागति सरेंडर। जब तक आप भगवान के प्रति शरणागति नहीं लेंगे, जब तक वो नियम नहीं पालन करेंगे शरणागति का, तब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाएगा। अब शरणागति के लिए जो है, जो सन्यासी है उनके लिए अलग नियम है और जो गृहस्थ है उनके लिए अलग नियम, दोनों के लिए साधना अलग अलग, दोनों के। सन्यासियों के लिए रूल रेगुलेशन, कई बार ऐसा होता है सन्यासियों के लिए एप्रोप्रिएट रूल्स को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं, डिपेंड करता है वो किस स्टेज पर। सन्यासी जो है कितने प्रकार के होते हैं, एनीबडी नोस, सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दो, एक बता दिया दो, मतलब एक होशी एक होशी एक नाम बता दिया, समथिंग लाइक दिस। कुटीचक नंबर एक, कुटीचक का मतलब ये है उसने संन्यास ग्रहण करके अपने घर से बाहर वन के अंदर एक कुटिया बना ली है, उस कुटिया में रहता है, परंतु घर से संबंध अभी नहीं छोड़ा है, उनका जो प्रसादम है जो उनकी भोजन व्यवस्था है अब भी घर से हो। चार सन्यासी, आप तो चार सन्यासी बताए, नंबर एक कुटिया,
नंबर दो बहुदक, बहुदक के लिए क्या नियम है कि उसको मधुकरी करनी है, बम्बल बी की तरह, जैसे भंवरा, जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों में जाके उनका रस ग्रहण करती है, शहद बनाती है, इसी तरीके से जो बहुदक सन्यासी है वो जंगल में मन के अंदर शहर से दूर, घर से दूर कुटिया बना के रहता है, घर से संबंध छूट चुका है, घर से उसको कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी, उसको अपनी भोजन व्यवस्था के लिए अलग अलग घरों पे निर्भर रहना है, मधुकरी करनी है, भिक्षा मांग के रहनी है, और उस भिक्षा के अन्न से उसको अपना भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, फिर ग्रहण। तो बहुत तीसरा है परिवाचन का चार्य, परिवाचन का चार्य का मतलब है जिसका कोई घर नहीं, कुटिया नहीं, मतलब वो एक स्थान पे नहीं टिकते, वो प्रचार करने के हेतु संसार भर का भ्रमण करते रहते, उनकी भोजन व्यवस्था घर से नहीं है, जहां जाएंगे वहां उनको परिवार से पहचान। और चौथे है परमहंस, हंस की क्वालिटी क्या है, दूध में से दूध अलग और पानी अलग कर देता है, ये परमहंस है, ये जो है भक्ति के उस प्लेटफॉर्म पे है जहाँ परिवाचकाचार्य नहीं रहते, अब वो जैसे माने जो बोला क्षेत्र सन्यासी, तो एक जगह पे टिक गए और वहीं टिक के जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर रहे हैं, वहीं टिक के कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सन्यासियों के लिए रूल अलग है और गृहस्थों के लिए रूल अलग, परंतु भक्ति का जो रूल हमने पहले बताया इसी तरह भक्ति का एक रूल और, बहुधक कुटीचक, बहुधक परिवाचकाचार्य और परमहंस। अब बता दें भक्ति का एक और नियम, क्या नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, मतलब वन ऑफ द टॉप इंपॉर्टेंट, सरेंडर एक नियम बताया, श्रद्धा एक नियम बताया, अब एक और नियम बताया, नियम ऑफ भक्ति इज रिमेंबरिंग कृष्ण, कृष्ण स्मरण हर समय रहना चाहिए, हर समय कीर्तन ये सदा, हर समय कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए। इसमें कहा गया है स्मार्थ वे सत्यम विष्णु स्मर्तेन जातु चित सर्वे विधि निदेशयु ऐत एव किंकरः। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिमेंबरिंग कृष्ण, अर्थात कृष्ण का हमेशा स्मरण रहे, ये हमारी शाश्वत ड्यूटी है, कर्तव्य, इससे परे कुछ नहीं। कहते जो भी शास्त्र में नियम बनाए गए हैं इसी नियम से बनाए गए हैं, रिमेंबरिंग कृष्ण। और कहते हैं कि आप जब भी जो है एडवांस करेंगे ये नियम आपके साथ साथ चले, आप पिछले प्रिस्क्रिप्शन को साथ चलाते हुए नया प्रिस्क्रिप्शन ग्रहण करेंगे, परंतु ये जो आपका नियम है ये नियम कभी भी नहीं छूटेगा, इट्स एवर एक्जिस्टिंग, हमेशा आपके साथ। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप फेलियर टू एक्सेप्ट नियम आग्रह के दोषी हो जाए, क्या आपने नियम को स्वीकार। अब प्रोहिबिशन निषेध क्या, ये तो हो गया विधि करना है, क्या नहीं करना है, किसी ने बोला विस्मर्तव्य, अर्थात कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं करना, ये निषेध है। अगर आपने भगवान को भुला दिया, विस्मरण कर दिया तो मामला, कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं। कहते जो भी शास्त्र के अंदर निषेध आए हैं उनकी जड़ मूल में ये निषेध, इसलिए हम लोग जो है आमतौर पर भाषा में क्या कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट, हमेशा कृष्ण को याद रखिए, कृष्ण को कभी नहीं भूलिए,
एक नियम है, इसी नियम को स्वीकार करके, इसी नियम को लेके आप जो है भक्ति में आगे चलेंगे। आज यहीं तक।